नमस्कार, आपका स्वागत है टीवी हंड्रेड नेशन में और आप देख रहे हैं वीकेंड का स्पेशल एडिशन शेर और जोरदार सितारे। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हमेशा की तरह रहते हैं, कर्नल अजय एस्ट्रोलॉजी गुरु हैं, हमारे साथ इस पर बातचीत करते हैं जो कि लगातार जो शेयर कौन सा मार्केट में अप होने वाला है, डाउन होने वाला है और कमोडिटी मार्केट से लेकर स्टॉक मार्केट तक का जबरदस्त उछाल लेकर आपके सामने आते हैं। जैसे कि आज वीकेंड का लास्ट दिन है, कल जो है संडे होने वाला है, उससे पहले जो शुक्रवार को मार्केट बंद हुई थी और जब सप्ताह की शुरुआत होगी, और साथ ही साथ मैं बता दूं इस जो महीने का भी अंत आज हो रहा है और अगला अगस्त जो है स्टार्ट होने वाला है, तो ऐसे में बात करेंगे कि किस तरीके से नक्षत्र होने वाले हैं, किस तरीके का योग बन रहा है और कौन से स्टॉक्स जो है ऊपर की तरफ छलांग लगाने वाले हैं, कौन से डाउन होने वाले हैं। लेकिन इस वक्त जो है मैं मेहमान का स्वागत करूं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की रिपोर्ट पर, जो कि बता दूं कि 1 जुलाई का आंकड़ा अगर मैं बात करूं तो 1 जुलाई को आंकड़ा 47,194 रहा है और 31 जुलाई की अगर बात की जाए, 1 से यानी 31 तक जो ये आंकड़ा पहुंचा है गोल्ड का, वो 48,430 पर है। और साथ ही साथ सिल्वर की भी यहाँ पर बात की जाए तो 1 जुलाई को सिल्वर का आंकड़ा 67,832 और 31 जुलाई तक का ये आंकड़ा, यानी कि आज का आंकड़ा मैं बताऊं आपके सामने तो 68,053 रुपए किलोग्राम रहा है। अब ऐसे में बात करेंगे कि आने वाले समय में किस तरीके से और जो नेक्स्ट मंथ जो स्टार्ट होगा, ऐसे में मार्केट जब खुलेगा तो कौन से शेयर, कौन से स्टॉक, कौन सी कमोडिटी मार्केट में आपको निवेश करना है, कौन से नए निवेशकों को इसमें आना है, उस पर बातचीत करने के लिए मैं सीधा रुख करता हूं हमारे खास मेहमान कर्नल अजय अस्त्र मनी गुरु जी का। अजय जी को मैं वेलकम करता हूं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी, टीवी हंड्रेड नेशनल के सभी दर्शकों को मैं अभिवादन करता हूं। मैं कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रोमनी गुरु .com आपसे मुखातिब होता हूं 31 जुलाई सन 2021। गौरव जी के साथ हमने टीवी 100 नेशनल पर लगभग काफी प्रोग्राम्स किए हैं, लेकिन आपको याद होगा हमारा पहला प्रोग्राम जी ईद के दिन था और उसमें हमने आपको गोल्ड के ऊपर विशेष चर्चा की थी और ये भी बताने का प्रयास किया था कि गोल्ड का सीधा संबंध वॉलेटिलिटी से है, गोल्ड का सीधा संबंध बाजारों की अनिश्चितताओं से है और ये तब भी होगा, बाजारों में तेजी रहेगी। और आपने जुलाई 31 के बीच के अंदर जो फर्क आपने देख लिया गोल्ड और सिल्वर के अंदर, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन गौरव जी। ये तो अजय सर का एक परिचय रहा जो कि लगातार आपके साथ में बने रहते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, जो कि आपके लिए वीकेंड में लेकर आते हैं अगले सप्ताह का बाजार, यानी कि कौन से शेयर, कौन से स्टॉक मार्केट, कमोडिटी बाजार का क्या होने वाला है, कौन से नक्षत्र, कौन से जो ग्रह है उनका योग कैसा रहने वाला है, वो आपको बताते हैं। तो शुरुआत करते हैं सर इस प्रोग्राम की। तो जिस तरीके से आपने बताया कि लास्ट अगर प्रोग्राम पर नजर डालें तो पिछली बार के जो कमोडिटी मार्केट आपने बताई थी और खास तौर पर बैंक पर, जो बैंक सेक्टर पर आपने नजर रखने के लिए कहा था, जबरदस्त एक उछाल देखने को मिला है खासतौर पर, इसमें नो डाउट अबाउट इट कि उसमें कोई संदेह है, जो आपने आंकड़े दिए बिल्कुल परफेक्ट एकदम उसी दिशा की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। मुझे लगता है दर्शकों की खासतौर पर इस पे अच्छे रिव्यू और अच्छे उनको मुनाफा भी मिला होगा। लेकिन सर आज वीकेंड और ऐसे में जब कल मार्केट ऑफ था और आज वीकेंड का अंतिम दिन है, साथ ही साथ इस माह का भी अंतिम दिन है, अगले महीने में हम प्रवेश करने वाले हैं अगस्त में, तो अगस्त के आंकड़े पर नजर डालते हैं तो सर आपके दृष्टिकोण से कौन सा योग बनता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि ग्रह की दृष्टि से चंद्र ग्रह और बुध ग्रह की अगर बात की जाए खासतौर पर। अजय सर देखिए, गौरव जी, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फाइनेंशियल न्यूमरोलॉजी के मुताबिक अगस्त महीने का पहला सप्ताह जिसका प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा, और चंद्रमा की एक खासियत, खास बात होती है कि सारे प्लैनेट्स में चंद्रमा सबसे अहम रोल अदा करता है। वो अहम रोल इसलिए अदा करता है कि चंद्रमा का सीधा संबंध मानव शरीर और मानव मस्तिष्क से होता है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस पृथ्वी पर जितना पानी है, जितना प्रतिशत पानी है, उतना ही प्रतिशत पानी हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है। जितना प्रतिशत साल्ट का समंदर में होता है, उतना ही ह्यूमन बॉडी में होता है। एक
दूसरा यदि समंदर के अंदर जो ज्वार बाटा है हाई और लो टाइड है उसको कंट्रोल करने का काम मून करता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंसान को भी उसी तरह से उसका मस्तिष्क और उसकी बॉडी के अंदर जो परिवर्तन मून के हिसाब से आते हैं जो समंदर में आते हैं सेम चीज हमारे ह्यूमन बॉडी में भी होती है। इसलिए चंद्रमा का एक विशेष पॉइंट। दूसरा एक विशेष पॉइंट मैं दर्शकों को साझा करना चाहता हूं कि चंद्रमा जो है कभी भी एक समान नहीं रहता। आप देखें कि फुल मून टू नो मून नाइट, नो मून टू फुल मून नाइट, अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से अमावस्या, हर रोज चंद्रमा अपना आकार या तो घटाता है या फिर बढ़ाता है। यानी नो मून नाइट से फुल मून नाइट के दौरान 14 दिन लगातार चंद्रमा अपना हर दिन आकार बढ़ाता है, और फुल मून यानी पूर्णिमा के बाद जब वो अमावस्या की ओर अग्रसर होता है तो हर दिन अपना आकार घटाता है। अतः उतार और चढ़ाव का जनक चंद्रमा है, ऐसा सही कुछ इस सप्ताह होने की संभावना बन रही है। मुझे लगता है कि चंद्रमा जो कि अगस्त का फर्स्ट वीक का कारक है और सन 2021 का कारक ग्रह है वो है बुध, और बुध भी बहुत चंचल ग्रह माना जाता है। इसका उतार चढ़ाव के अंदर इसका विशेष महत्व होता है। ग्रहों का राजकुमार होता है, जिस प्रकार राजकुमार का तो दिलफेक होता है और वो कुछ भी शैतानियां भी कर सकता है, उसी प्रकार बुध जो ग्रह है वॉलेटिलिटी का कारक माना जाता है। इसको मरकरी को इंग्लिश में जो पारा जो होता है मरकरी, वो भी उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है। तो ये जो अपने आने वाला सप्ताह है मुझे लगता है कि चंद्रमा भी वॉलेटिलिटी का कारक है और बुध ग्रह भी वॉलेटिलिटी का कारक है। शुरुआती के अंदर कुछ तेजी रहेगी 5 दिन में से 2 दिन, और उसके बाद में संभवतः मुनाफा वसूली की संभावना बन सकती है। ये एक मोटा आकलन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अगले सप्ताह का है। सर सप्ताह के दौरान कौन कौन से ग्रह जो है उछाल मार सकते हैं, कौन कौन से जो जातकों के लिए ये फायदेमंद होने वाला है, और कितना जो है मुनाफा जो है यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, यानी कि जो नए निवेशक हैं वो ढूंढना चाह रहे हैं, वो एंट्री करना चाह रहे हैं, और किस तरीके से वो एंट्री होगी? देखिए सबसे महत्वपूर्ण, तो आप देखिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य जी। सूर्य सूर्य के वजह से ही पृथ्वी के अंदर जीवन है। तो सूर्य जो है इस समय कर्क राशि में है जो कि जल प्रधान राशि है, और उससे 180 डिग्री के ऊपर दूरी के ऊपर है मकर राशि जो कि शनि की राशि है, और शनि इस समय मकर राशि में वक्र अवस्था में है और सूर्य से समसप्तक योग बना रहा है यानी अपोजिट योग बना रहा है। एक तो ये महत्वपूर्ण ग्रह है, कॉम्बिनेशन है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह है देवगुरु बृहस्पति और मंगल का। मंगल इस समय अग्निकारक राशि यानी सिंह राशि में है, और बृहस्पति इससे 180 डिग्री की दूरी के ऊपर सिंह राशि से वो होती है कुंभ राशि, वो शनि की राशि है और वहां पर देवगुरु बृहस्पति का विराजमान है। तो मंगल और देवगुरु बृहस्पति का आपसी समसप्तक, सूर्य और शनि का आपसी समसप्तक, और चंद्रमा और बुध का आपसी संबंध, ये बाजारों के अंदर लाभ अवश्य दुलाएगा। इसमें कोई दोराय नहीं है, कोई सब नहीं है, और ये बाजारों के अंदर संभवतः तेजी लाने का काम करेगा, ये कर सकता है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि हमारे पिछले शो में हमने मेटल्स के ऊपर बात की थी, आपको याद होगी मेटल स्टॉक्स पे बात की थी, टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता जैसे स्टॉक्स के ऊपर आपको नजर रखने के लिए कहा था, और आपको आश्चर्य होगा और दर्शकों ने इसका भरपूर लाभ भी उठाएगा। वेदांता ने एक सप्ताह में 12% की तेजी दी है, 12%, और ये भी एक गौरतलब है कि ये फ्रंटलाइन स्टॉक है, छोटा स्टॉक नहीं है, उसके बावजूद भी जबरदस्त तेजी दी। हिंदुस्तान कॉपर में लगभग 6-7% की तेजी दर्ज हुई, टाटा स्टील तो लगभग पूरे सप्ताह ही हीरो का दर्जा रहा और बहुत शानदार चला, और स्टील अथॉरिटी इंडिया के साथ में। तो पॉइंट ये है कि आप यदि छोटी अवधि के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, जो इस शो में हम बात कर रहे हैं उसको आप देखो, समझो, उसके ऊपर विश्लेषण करो, और अच्छा लगे तो उसमें निवेश करो, लेकिन मुनाफा भी साथ के साथ बुक करते चलो, ये बहुत महत्वपूर्ण है गौरव जी। जी सर, मुनाफे की अगर बात की जाए तो सर कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं, कुछ
निवेश करना चाहते हैं, जो जातक होते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, वो लगातार आपके व्यू पॉइंट पर चलना चाहते हैं, नस्ते कदम पर चलना चाहते हैं। लेकिन सर यहाँ पर ये होता है कि कौन कौन से ग्रह हैं, ग्रह के अनुकूल अगर आपकी बातें उनके साथ समक्ष ठीक बैठ रही है, जैसे कि लगातार जो प्रोग्राम दे रहे हैं, लगातार जो आप स्टॉक्स बता रहे हैं, लगातार शेयर बता रहे हैं, और लगातार जिस सेक्टर पर नजर रखने के लिए कह रहे हैं, वो एकदम जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से वो उछाल मारते हुए नजर आ रहे हैं, जबरदस्त एक उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन सर बात यहाँ पर सवाल यही उठता है उनका कि क्या इसमें नए किस तरीके से जो है निवेश करें, नए लोगों को निवेश करने के लिए उचित समय है या नहीं है, क्या कोई खास समय का इंतजार यहाँ पर करना होगा, इस तरीके के सवाल जो है सामने बार बार आ रहे हैं। सर गौरव जी आपने बहुत शानदार सवाल पूछा, मैं कह सकता हूँ कि आपने वो सवाल पूछा है जो शेयर बाजार के हर कारोबारी, हर निवेशक के दिमाग में इस समय मौजूद है। निफ्टी लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास है, अब बहुत से निवेशकों को डर लग रहा है, व्यापारियों को डर लग रहा है कि क्या ये बाजार स्लिप हो जाएगा। उसकी एक खास वजह है, वो खास वजह ये है कि अभी तक विदेशी संस्थागत निवेशक जिसे हम FIs के रूप में जानते हैं, वो बाजारों की तेजी और मंदी में अहम रोल अदा करते थे, क्योंकि वो बाइंग करते थे बाजार तेजी से चलने लगता था, और वो बिकवाली करते थे बाजार नीचे गिरने लगता था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, और आपको ताज्जुब होगा कि पिछले कुछ सप्ताह में लगातार फाइनेंशियल जो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं, और डोमेस्टिक फंड्स और रिटेल इन्वेस्टर्स और HNI इंडियन इन्वेस्टर्स उसमें लगातार बाइंग कर रहे हैं। आप यही वजह है, आप देखिए कि बाजारों के उसके बावजूद भी हमारे बाजार मजबूती से खड़े हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपके माध्यम से दर्शकों से साझा करना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या, इसका सिग्नल क्या है? इसका सिग्नल ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से बहुत मजबूत है, हमें हैरान या परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमारे बाजार बिल्कुल ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो गए हैं, क्योंकि जो सुनामी आई थी रेसेशन की, पैंडेमिक COVID-19 की, इसके बाद हम लगभग छट रहे हैं। तो इसलिए निवेश के लिए अच्छा समय है, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, बगैर किसी हैरानी और परेशानी के अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स खरीदिए अपनी क्षमता के अनुसार और निवेश कीजिए, तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। आपने लगातार पिछले 2-3 शो में आपने देखे सभी स्टॉक्स ने बहुत जबरदस्त लाभ कमाया। यदि आप FD देख लेते हैं तो 3-4% का सालाना उसमें रिटर्न है, उसके बाद भी आपको TDS कट जाता है ब्याज के ऊपर जो आपको मिलता है। उसके मुकाबले अच्छे स्टॉक जब आपको 8-5, 5-8% एक वीक में दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा किसी को और। लेकिन सर यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं, जो लगातार फॉलो कर रहे हैं, लगातार दिमाग में जो सवाल उठ रहे हैं, उनको भी ये चीज का ध्यान रखना होगा, उनको भी समझना होगा, मार्केट को परखना होगा, उसके बाद जो है इसमें निवेश करें। नए जो जातक है खासतौर पर, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि लगातार शोज देखें हमारे, और जो सर जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, यानी कि इस शो के अंत में आपको ऐसा ज्ञान आपको जरूर मिलेगा जिससे आपको मुनाफे की तरफ जो है उस दौड़ का घोड़ा बनाएगा, जहां पर वो रेश जो है मुनाफे पर जाकर टिकी होगी, यानी कि उस कड़ी का हिस्सा आप होंगे जब आप मुनाफा ले सकेंगे। लेकिन सर एक सवाल की तरफ मैं मुड़ता हूं, तो इस सप्ताह मेष और धनु राशि को जो जातक है वो किस तरीके का उनका कारोबार होने वाला है, आप जरा इस पर नजर डालें सर, मेष और धनु राशि के कारोबार के लिए ये सप्ताह कैसा होने वाला है अगस्त का। देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने गौरव जी पूछा है, मैं आपको साधुवाद कहता हूं, आपको विनम्रता से आपका अभिवादन करता हूं कि बाजार तेज चल रहे हैं या बाजार नीचे जा रहे हैं, लेकिन जब तक आपको मुनाफा नहीं हो रहा है ना, तो कोई फायदा नहीं। और राशियों के आधार के ऊपर ये जबरदस्त निश्चित है कि आपको फायदा होगा, खासकर अग्नि कारक 3 राशियां, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, उनके लिए ये सप्ताह बहुत शानदार रहने की संभावना है। उसकी वजह, मेष राशि का स्वामी मंगल, सिंह राशि के अंदर है मित्र की राशि में अग्नि कारक ग्रह, अग्नि कारक राशि के अंदर बहुत लाभ कमा सकता है। अब आप आ जाइए धनु राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के अंदर विराजमान है वक्र अवस्था में। जब शुक्र वक्री हो जाते हैं
तो बहुत शुभ फल देने में सक्षम हो जाते हैं। और जहां तक सवाल सूर्य ग्रह का है, यानी सिंह राशि के कारक का या मालिक का या स्वामी का, वो भी कर्क राशि में यद्यपि वाटर साइन में है, लेकिन उसके मित्र ग्रह की राशि है चंद्रमा की राशि, वहां भी सूर्य परेशान नहीं करेगा आपको। तो ये तीन ग्रह के स्वामी तीन राशियों के अंदर निश्चित रूप से माने, यहाँ पे उनके लिए अवसर आ जाता है अच्छा पैसा बनाने का। गौरव जी, अच्छा सर, अवसर बहुत अच्छी तरीके से आप लगातार जो है लगातार शोज में लेके आते हैं, और जब शो का अंत होता है यानी कि शो जब अपने अंतिम पड़ाव पर होता है और शानदार तरीके से आप शेयर से लेकर कम्युनिटी बाजार तक का शेयर स्टॉक सराफा बाजार से लेकर तमाम वो अपडेट देते हैं, तमाम वो चीजें गुरु मंत्र आप जो है साफ तौर पर कह सकते हैं यहाँ पर छोड़ के जाते हैं, जिससे कि एक हफ्ते तक के लिए लोग जो है उससे मुनाफा इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन सर जिस तरीके से अर्थव्यवस्था है, जिस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, उसका स्टॉक की मार किस तरीके से देखते हैं आप, कैसे संकेत इसमें नजर आ रहे हैं, क्या क्या चीजें सामने आने की संभावना है सर? देखिए अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा सवाल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम बात करें, अर्थव्यवस्था मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम देखते हैं तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था में परेशानी है। बैंकों के एनपीएज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, सरकार इंसॉल्वेंसी एक्ट भी उसके अंदर अमेंडमेंट ला रही है, और नॉन पेमेंट करने वाले या विलफुल डिफॉल्टर की संख्या भी काफी बढ़ रही है। और सरकार ने यदि यहाँ तक कहा है कि कोई भी बैंक यदि परेशानी में आते हैं तो उसका 5 लाख रुपए तक की राशि सुरक्षित है। अब पॉइंट यह है कि जिस खासकर जो नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं, पेंशनर्स हैं, वो सारा पैसा अपना बैंकों में रखते हैं सुरक्षित सुरक्षा की दृष्टि से। अब पॉइंट है कि यदि आप पेंशनर हैं, आपका सारा पैसा बैंक में है, तो सरकार 5 लाख रुपए तक की ही गारंटी लेती है, जबकि उसका ग्रेच्युटी का पैसा, उसका पेंशन का पैसा, उसका सारा पैसा तो बैंक में है। यदि उसका 30 से 40 लाख रुपए एक आम इंसान को मिलता है रिटायरमेंट के बाद, या अच्छे अवसर है तो उसको 1.5 से 2 करोड़ रुपए भी मिलता है, वो उस पैसे की गारंटी सिर्फ 5 लाख रुपए की, ये एक विचारणीय प्रश्न है। एक दूसरा पॉइंट यह है कि लगातार जीएसटी की आंकड़ों पर नजर डालें तो कभी अच्छा आ रहा है, कभी खराब आ रहा है, लेकिन कुल मिला के मैक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, मैक्रो लेवल के हिसाब से स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इसमें मैं कोई स्वीकार करने में मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आंकड़ों की बात है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के हिसाब से यदि आप देखें, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये है कि लंबी अवधि के लिए जो सुनामी आई थी उसको धीरे धीरे उसमें रिकवरी आएगी। यदि माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखें तो तुरंत 2 से 3 महीनों की बात है, तिमाही की बात है, 1 क्वार्टर की बात है, तो लगातार जीडीपी के अंदर सुधार आ रहा है, टैक्स कलेक्शंस के अंदर लगातार सुधार आ रहा है। और आपको ताजुब होगा कि जो गोल्ड जैसी कमोडिटीज है उसके इंपोर्ट में भी बड़ा इजाफा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि लोग निवेश कर रहे हैं, लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। यदि आप रियल एस्टेट की तरफ देखें, वहां भी इंटरेस्ट काफी बड़ा है, प्रॉपर्टीज के अंदर काफी निवेश हुआ है। तो कुल मिला के हैरान परेशान होने की बात नहीं है, छोटी छोटी गोल प्राप्त करते चलिए, बड़ा निवेश, बड़ा गोल अपने आप मिल जाएगा। तो ये तो एक क्वार्टर फाइनल के क्वालिफाइंग मैच है, उसमें हम लोग जीत चुके हैं और क्वार्टर फाइनल में हम पहुंच गए हैं। अब थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, सेमीफाइनल में भी जाएंगे और फिर फाइनल में भी जाएंगे, तो इकोनॉमी इसी तर्ज पे चलेगी ओलंपिक के तर्ज पर। राजेंद्र जी, जी सर, जैसे कि अगर वायदा बाजार पर आप गोल्ड कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो गोल्ड कम्युनिटी में सर वायदा बाजार की बात करें तो एमसीएक्स पर सोना अगर 1:30 बजे तक का आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करूं तो 151 रुपए की बढ़त यहां पर साफ तौर पर देखने को मिली है, जिससे 47,685 रुपए पर ट्रेंड कर रहा है जब 1:30 बजे तक का आंकड़ा सामने रख रहे हैं। चांदी भी 329 रुपए की बढ़त के साथ में 67,353 रुपए पर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं लगातार अलग अलग कम्युनिटी की शेयर की और जो अलग अलग सेक्टर की जो बात कर रहे हैं, और जो साफ तौर पर अगले महीने
जो जातक हैं हमारे, जो व्यूअर्स हैं, जो निवेशक हैं, नए खास तौर पर जो निवेशक हैं, जो निवेश करना चाहते हैं या फिर जो इसमें पहले से बने हुए हैं, तो उनकी राशि से लेकर हर चीज पर आज नजर डाल रहे हैं। यानी कि आज के वीकेंड के अंत में हम जो है एक प्रोग्राम लेकर आते हैं सर के साथ में, जो कि हर बार आपको कुछ न कुछ गाइडेंस क्लियर करते हैं कि किस तरीके से आपको कहां पर फायदा होने वाला है। वैसे ही सर, जो आंकड़े मैंने आज बताए हैं, जो आंकड़े हम बता रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले समय के लिए गोल्ड का किस तरीके का जो रहने वाला है, जो जुलाई महीने में 1200 रुपए की यहाँ पर बढ़त देखने को मिली, और जब दिवाली यानी त्योहारी सीजन पास आएगा तो उसके लिए इस सेक्टर में कितना मुनाफा है लोगों के लिए, कैसा संयोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है? देखिए, आपने अच्छा सवाल पूछा है कि गोल्ड हर आमों खास की पहली पसंद होती है, महिलाओं के अंदर तो इसका आकर्षण हमेशा से रहता है, और जो भी समझदार निवेशक हैं वो अपना कुछ प्रतिशत निवेश का गोल्ड में अवश्य करते हैं। तो कुल मिला के यदि हम अगस्त महीने की बात करें तो अगस्त महीने के अंदर गोल्ड के अंदर मजबूती जारी रहने की संभावना है, और ये लगभग 500 से 800 रुपए या 1000 रुपए तक की मंथली इसमें गेन आए तो मुझे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। और अगले सप्ताह के लिए एक विशेष कमोडिटी के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, वो है कच्चा तेल। कच्चा तेल जो है, आपको हर आमो खास को उसके ऊपर नजर रहती है। उसकी वजह है कि आपकी गाड़ी के अंदर, चाहे आपका फोर व्हीलर चला रहे हैं या टू व्हीलर, उसमें पेट्रोल डलता है, उसमें डीजल जलता है, और लगातार उसकी हाईएस्ट प्राइसिंग जो है बड़ी परेशानी का सबब बनता है। शतक लगा चुका है, हर बार सिक्सर पड़ते नजर आ रहे हैं, और ये आम जीवन की, जनजीवन की समस्या भी है, लेकिन लोग मजबूर भी है डलवाने के लिए, क्योंकि उनको अपना व्यवसाय करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल भी करना है, उनको डलवाना भी है। तो कच्चे तेल पर आप बहुत अच्छी तरीके से, बहुत पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि लोग इंतजार भी कर रहे होंगे कि कच्चे तेल पर सर कुछ बोले। जी सर, देखिए, कच्चा तेल खाली आमों खास को इफेक्ट नहीं करता सिर्फ, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ जाती है, एग्रीकल्चर की कॉस्ट बढ़ जाती है, और यदि आप ऑटो की तरफ देखें, थ्री व्हीलर मामूली सी पब्लिक कन्वेंस है, यदि थोड़ा सा भी बढ़त होती है, जो ऑटो वाला 300 रुपए मांगता है उसकी जगह वो तुरंत 350 रुपए या 400 रुपए मांगने लग जाता है। ट्रांसपोर्टर बेताशा फ्रेट में वृद्धि कर देते हैं, तो इसका पूरा जनजीवन पर फर्क पड़ता है। ये तो हुआ एक माइक्रो लेवल पे, और मैक्रो लेवल पे यदि आप देखें तो कच्चे तेल की बढ़ती कीमत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारी अर्थव्यवस्था को भी बेहद इफेक्ट करती है, क्योंकि भारत का जो सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च होने के तीन बुनियादी हेड हैं, वो सबसे पहले कच्चा तेल हम बाहर से खरीदते हैं जिससे हमारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है, दूसरा है गोल्ड, और तीसरा है डिफेंस इक्विपमेंट। आपको ताज्जुब होगा कि भारत की सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा इन तीन आइटम्स या तीन हेड में ही खर्च होती है। यदि कच्चा तेल बढ़ता है तो हमारी अर्थव्यवस्था को फर्क पड़ता है, गोल्ड को हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं तो भी अर्थव्यवस्था को फर्क पड़ता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कच्चा तेल यदि के अंदर गिरावट आती है तो भारतीय अर्थव्यवस्था को इसमें फायदा होता है, और महंगाई में भी कमी होगी, ये सारी चीजें एक लाइन पे आती है। तो मुझे लगता है कि इस अगला सप्ताह जो कि 2 अगस्त 2021 से चालू होगा, इस सप्ताह कच्चे तेल में कुछ गिरावट की संभावनाएं बन सकती हैं। ठीक है सर, अभी हमने अगर बात जो है राशि और जातकों की तो अब पिछली बार हमने बताया था, अभी बात की थी थोड़ी देर पहले मेष और सिंह और धनु राशि की, लेकिन अब बात कर लेते हैं कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि की। इनका संयोग कैसा रहने वाला है, इन जातकों को कितना मुनाफा यहाँ पर मिल सकता है, क्या इनके जो है ग्रह नक्षत्र कहते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जल तत्व को के तीन राशि होती है, 4, 8, 12, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। मुझे लगता है कि ग्रह स्थिति अनुसार संभवतः इन राशि के जातक या कारोबारियों के लिए ये सप्ताह थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है, अनिर्णय की स्थिति हो सकती है, डायलेमा हो सकता है, करूं ना करूं, कब कर लूं, अभी रुक जाऊं, इस तरह की परेशानियां हो सकती है। यदि आप नौकरी पेशा वाले व्यक्ति भी हैं तो सीनियर्स एंड सुपीरियर से बगैर बजाय विवाद हो सकता है, हॉट डिस्कशन हो सकता है। तो इसमें इन राशि के जातकों के लिए बहुत आवश्यक है कि कोई भी बड़ा निर्णय लेने से लिए
थोड़ा सोचें, अपने निर्णय को एक दिन रुक जाइए, उसके बाद फिर आप निर्णय देखिए कि क्या सही है क्या गलत है, यही एक तरीका है। और यदि आप MCX NCDX में काम कर रहे हैं, NSE BSE पे काम कर रहे हैं या फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो बड़ी ट्रेडिंग से आपको बचना चाहिए, बड़े सौदों से आपको एक बार पुनः विचार कर लेना चाहिए, एकदम से ओपन साइड अपने सौदे नहीं करने चाहिए, ट्रांजेक्शन नहीं करने चाहिए। हेजिंग के साथ यदि आप करना ही चाहते हैं तो अपनी पोजीशन को हेज करके चलें ताकि कोई बड़े नुकसान से आप बच सके। गौरव जी, हेज कर चले निश्चित तौर पर, यहाँ पर कर्क राशि और वृश्चिक और साथ ही साथ मीन राशि वाले जातकों को ध्यान देना होगा, अपनी बड़ी इन्वेस्ट को जो है आपको यहाँ रुकना होगा, हेज पर ध्यान देना होगा, यानी कि सर के कहे अनुसार ही आपको कदम यहाँ पर चुनिंदा तरीके से, कहते ना कि फूक फूक कर कदम रखने होंगे, इस तरीके से आपको सही साफ तौर पर जो है यहाँ कदम चाल चलने की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं सर, इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो रुपया है वो वैश्विक स्तर पर जो है यहाँ पर कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में, जिस तरीके से अगर जो राशि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से मैं ये कहने का साहस करता हूँ, भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले इस सप्ताह की शुरुआत में 2-3 दिन संभवतः मजबूती दिखा सकता है, मजबूती दिखा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात इसलिए लगातार जो रुपया है वो जो है मजबूती नहीं दिखाता है, और आमतौर पर जिस तरीके से पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार अगर बात की जाए, लेकिन जब आप बता रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर मानना होगा कि इस बार जो रुपया है विश्व वैश्विक स्तर पर और डॉलर के मुकाबले मजबूती दिखाएगा, क्या मैं सही हूँ सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और भारतीय रुपया की मजबूती इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं तो अपना पैसा निकाल रहे हैं, बड़ी विदेशी मुद्रा जा रही है, कच्चा तेल बहुत ऊंचाई पे चल रहा है, सोने के अंदर भी आपको याद होगा $1830 इस सप्ताह करंट सप्ताह में भाव दिखाया, उसके बावजूद यदि रुपया मजबूती दिखाता है तो इसका सीधा सीधा संबंध आपके पहले सवाल पे आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था न केवल मजबूत है और वो धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रही है, हमें बहुत ज्यादा निर्भरता विदेशी सोर्सेज पे ना रखे, अपने स्वयं के संस्थागत निवेशक और रिटेल कारोबारी। और राजेंद्र जी एक और मैं आपको गौरव राजेंद्र जी एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ महीनों में रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराया है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में, जो आपको याद होगा पिछले लगभग 3-4 साल में पहले रिटेल इन्वेस्टर्स का लगभग अकाल सा पड़ गया था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में लगातार आशा से अधिक रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, नए डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं और उनकी रुचि लगातार भारतीय बाजारों में इन्वेस्टमेंट के लिए हो रही है, तो ये एक बहुत अच्छा सूचक है, साइन है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए और भारत के शेयर बाजारों के लिए। ठीक है सर, आपने सारे सभी मुझे लगता है चुनिंदा राशियों की जो है बात की है, सभी जातकों के ऊपर जो है ध्यान आकर्षित किया है, उनको सही तरीके से टिप्स दी है। सर मैं चलते चलते प्रोग्राम के एंडिंग में मैं सवाल पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से हर बार हर प्रोग्राम की तरह आप जो है कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं, शानदार रहते हैं और उनकी बात करेंगे कि इंसान को मतलब जो लोग हैं उनको शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, करेंसी बाजार, किसमें जो है कौन से बाजार पर नजर रखनी होगी? देखिए बैंकिंग स्टॉक्स में मुझे तेजी की संभावना नजर आती है, खासकर HDFC बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अंदर मुझे लगता है कि मजबूती की संभावना बनेगी और एक अच्छा मौका अवसर होगा कि निवेशकों के लिए इसमें अच्छा, ये सारे फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं, कोई छोटे स्टॉक्स नहीं है, सारे भारत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़े बैंकों में से एक है, PSUs में HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा बैंक है कैपिटल की दृष्टि से, ICICI सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट बैंक माना जाता है, तो मुझे लगता है कि निवेशकों को बड़ा अच्छा लाभ। जी सर, तकनीकी खराबी के चलते मुझे लगता है एक बार फिर से यहाँ पर अभी कर्नल सर का यहाँ पर कनेक्शन यहाँ कटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मैं बताऊं जिस तरीके से लगातार कर्नल सर जो बात कर रहे थे लगातार, अभी मैं उनके पास एक बार फिर से लौटूंगा क्योंकि प्रोग्राम को पूरी तरीके से आपको गुरु मंत्र देना है और जो सर जो है हर बार गुरु मंत्र लेकर आते हैं और खासतौर पर
उनके पिटारे में अभी भी बहुत कुछ खास होगा, क्योंकि ये जो सप्ताह है वो अपने महीने के अंत में भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगले सप्ताह जब मुलाकात होगी, यानी कि अगले महीने में जब हम प्रवेश करेंगे, सर ने उस पर बताया कि अगस्त माह में चंद्र ग्रह और बुध ग्रह का सहयोग बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। उनकी टेक्निकल समस्या को जो है हम जल्दी से सुधार कर वापस लौटते हैं। जिस तरीके से लगातार जो उठा पटक देखने को मिल रही थी पिछले समय में, उनको लेकर यानी कि पिछले बाजार में उठा पटक थी उसको देखते हुए ये भी सर ने बताया कि किस तरीके से कमोडिटी बाजार से लेकर शेयर बाजार तक यहाँ पर मजबूती दिखाई दे रही है और कौन कौन से सेक्टर पर आपको नजर रखनी है। साफ तौर पर यह भी बताया गया है कि जो वेदांता ने पिछली बार जो 12% की तेजी की थी, हिंदुस्तान कॉपर ने भी सर के अनुसार पिछले प्रोग्राम में उन्होंने बताया था कि वहां पर भी पिछले तेजी देखने को मिली थी, लेकिन अब जब सर का टेक्निकल समस्या आने से पहले सर जो बता रहे थे कि वो यही है कि जिस तरीके से जो बैंकिंग सेक्टर है साफ तौर पर उस पर आप नजर बनाए रखें और जो है उस पर आप नजर टिकाए रखें, कौन कौन से यहाँ पर आपको निवेश करना है वो यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ राशियों की अगर बात की जाए, कर्क से लेकर यहाँ पर तमाम तरीके की मेष, सिंह और धनु राशि की हमने बात की, फिर उसके बाद जो तमाम राशियां थी वृश्चिक राशि हो उसकी भी यहाँ पर बात की। और अगर अब बात करें बाजार की, गोल्ड और सिल्वर पर भी नजर डाल लेते हैं। वायदा बाजार की बात करें तो MCX पर सोना 1:30 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार 151 रुपए की बढ़त के साथ 47,685 रुपए पर ट्रेंड कर रहा था, और चांदी की भी जो कीमत थी 329 रुपए की बढ़त के साथ 67,353 रुपए पर ट्रेंड कर रही थी। यानी कि अगर पिछले हफ्ते पर जो चमक है वो कम हुई थी, वो इस बार जो थोड़ी सी चमक जो है बढ़ती नजर आ रही थी। कम्युनिटी बाजार में अगर बात की जाए कच्चे तेल की, खासतौर पर कच्चे तेल पर भी सर ने सिक्सर मारा। उन्होंने बताया कि इस बार जो है कच्चे तेल पर भी आप जो है नजर रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़े निवेश से बचे, फूक फूक कदम रखें। हेज पर यहाँ पर आप जो है तुरंत जो है स्थगित कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो शेयर मार्केट में बढ़त के चलते पिछले हफ्ते सोना चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखी गई थी, और हफ्ते सर्राफा बाजार में सोना जो था 447 रुपए से कम होकर शुक्रवार को 47,703 रुपए पर बंद हुआ था। ये हफ्ते की शुरुआत में 48,150 रुपए पर था। बीते हफ्ते में चांदी भी 650 रुपए पर सस्ती होकर 67,039 रुपए पर आ गई थी। यानी कि आने वाले समय में सोने में बढ़त जारी रहेगी, ये भी यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, IBGA के मुताबिक अगर बात की जाए तो वहां पर भी सोने में बढ़त देखने को मिल सकती है, और ये अनुमान लगाया जा रहा था। जो विशेषज्ञ हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो ये बता रहे हैं लगातार कि दिवाली के आते तक, यानी कि इस साल दिवाली तक सोना साफ तौर पर 51,000 और आखिर तक 53,000 रुपए तक पहुंच सकता है। यानी कि दिवाली तक त्योहारी सीजन में सोने की कीमत 51,000 तक उछाल मार सकती है, और साल के आखिर तक 53,000 रुपए पर भी पहुंच सकता है। और कौन कौन से शेयर में यहां पर निवेश करना, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेक्निकल समस्या को खत्म कर कर्नल अजय सर जो बता रहे थे, क्योंकि प्रोग्राम के अंतिम में ये माइनर सी दिक्कत आ गई थी उसे शॉर्ट आउट करके हमारे साथ जुड़ चुके, सीधा उनके पास रुख करते हैं। कर्नल अजय सर, आप कुछ कह रहे थे कि किस तरीके से कौन कौन से स्टॉक्स आपके पिटारे में है, तो प्लीज सर दर्शकों को देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स हमेशा से ही लाइमलाइट में रहते हैं। जब भी बाजारों को चलना होता है तो बैंकिंग स्टॉक्स का चलना निहायत ही जरूरी है, लाजमी है। बगैर बैंकिंग स्टॉक से चलने बाजार नहीं चल सकता। तो मुझे लगता है कि अगले सप्ताह आप बैंकिंग स्टॉक्स पे जो अग्रणीय बैंक हैं, जैसे HDFC बैंक जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है कैपिटल के आधार के ऊपर, दूसरा बड़ा बैंक ICICI बैंक उस पर नजर रख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि PSU में सबसे बड़ा बैंक माना जाता है उस पर नजर रख सकते हैं, कैनरा बैंक के ऊपर भी नजर रखा जा सकती है, और बैंक ऑफ बड़ौदा, इनके ऊपर नजर रखनी उचित रहेगी। और इसके अंदर मुझे लगता है कि तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं, और ये सारे ए ग्रेड स्टॉक्स हैं, निफ्टी बेस्ड स्टॉक्स हैं, और ये स्टॉक्स यदि चल रहे हैं तो निश्चित मानिए निफ्टी को छलांग लगाने से कोई नहीं रोक सकता। यानी शेर भूखा हो और सामने शिकार हो तो उसकी छलांग कितनी मजबूत होगी आप अंदाज लगा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो वही वाली बात हो गई, गाना भी है कि लो मुंह लग गया, जब शेर
शेर के सामने जब शिकार होगा तो उसके सामने तो लव जब मुंह लगी जाएगा तो एक बार जो बेनिफिट है खास तौर पर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। सर कुछ और अगर अपडेट और रिकमेंडेशन हो जाते जाते तो प्लीज आप जो है शेयर कर सकते हैं। सर देखिए गौरव जी, मैं आपको एक बार पुनः साधुवाद कहता हूँ, पुनः आपका अभिवादन करता हूँ कि आप दर्शकों के लिए निवेशकों के लिए खींच खींच कर पकड़ पकड़ के वो सारे रत्न एक बार झोली में भर देते हो ताकि निवेशकों को मालामाल हो जाए। आपने मुझसे करेंसी के ऊपर बात की, आपने मुझसे कमोडिटीज के ऊपर बात की, आपने स्टॉक के ऊपर बात की, लेकिन आपके आपकी इच्छा के अनुसार मैं कुछ और स्टॉक्स बोलता हूँ। देखिए महत्वपूर्ण ये रहेंगे कि इस सप्ताह आप लिकर स्टॉक्स के ऊपर भी नजर रख सकते हैं, चाहे वो यूनाइटेड ब्रेवरीज हो या यूनाइटेड स्प्रिट हो, रेडिको खेतान हो, इन स्टॉक्स के ऊपर भी नजर रखी जा सकती है, इसके अंदर भी तेजी बन सकती है। और आपको याद होगा कि पेंडेमिक के अंदर सबसे ज्यादा जो स्टॉक्स जिनके ऊपर हम लोग नजर रखते थे, क्योंकि ये लिकर स्टॉक्स ना केवल लिकर बनाते हैं अपितु सैनिटाइजर भी ये कंपनियां बनाती हैं, और सैनिटाइजर की रिक्वायरमेंट आपको और हमको बिल्कुल पता है कि इसकी क्या अहमियत है, तो इसमें भी हो सकता है। इसके अलावा आने वाले कुछ समय के अंदर जो मानसून की स्थिति बनती है उसके हिसाब से फर्टिलाइजर स्टॉक्स, क्योंकि मानसून का सीजन है और यहाँ पे खरीफ की फसल का टाइम है। आपको हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स के अलावा बहुत जगह भी अपडेट किया था कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स का ये बिल्कुल अच्छा सीजन है, चाहे चंबल फर्टिलाइजर हो या नेशनल फर्टिलाइजर हो या RCF हो। कि उसमें एक और अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर भी मैं दर्शकों से साझा करना चाहता हूँ आपके माध्यम से। चाइना ने फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगाने का फैसला किया है, और ये बहुत अहम बात है क्योंकि चाइना एक मेजर फर्टिलाइजर निर्यातक देशों में से एक है, और वहां पर रोक लगने का मतलब यह है कि बाकी सभी फर्टिलाइजर कंपनियों की चांदी होना। तो मुझे लगता है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स के अंदर मजबूती की संभावना बनेगी। एक और मैं आपसे आपके चलते चलते आपके माध्यम से मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर कृषि जीन्स, सोयाबीन और सरसों ने रिकॉर्ड तोड़ भाव बाजारों में दर्ज किए हैं। यदि आप सरसों के भाव देखें, यानी मस्टर्ड ऑयल देखें या सोया ऑयल देखें या रिफाइंड ऑयल देखें, पिछले कई महीनों में या एक साल के अंदर देखें, यदि एक साल भर का आंकड़ा देखें तो 133% और यदि मंथली देखें तो 35% की बड़ी तेजी सोया ऑयल या सोया रिफाइंड या सोयाबीन ने लगाया है। ये बिल्कुल बहुत खतरनाक चीज है कि आमों खास पर इसका फर्क पड़ता है, इन्फ्लेशन पे फर्क पड़ता है, महंगाई पे फर्क पड़ता है, क्योंकि आपके घर का बजट सीधा इससे कनेक्ट है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। मुझे लगता है आने वाले 5 से 7 दिन के अंदर कभी भी ये सोयाबीन की जो बेलगाम तेजी है, सरसों के ऊपर जो बेलगाम तेजी चल रही है जिसे आमो खास परेशान हैरान हो रहा है, इस पे भी लगाम लग सकती है। इसके भाव के अंदर क्रैश हो सकते हैं, इसके दाम घट सकते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर। और जो कृषि जींसों का कारोबार करते हैं, मुझे लगता है कि उस ये देख के उनके चेहरों पर कुछ रौनक जरूर आएगी और आमो खास के दिमाग के चेहरों पर भी रौनक आएगी, क्योंकि आपकी रसोई का बजट बिगाड़ने वाला और कोई नहीं, ये सरसों है, ये सोयाबीन है, ये दालें हैं। दालों पर तो भारत सरकार ने लिमिट बेताशा तेजी को देखते हुए स्टॉक लिमिट भी लगाई थी, लेकिन कारोबारियों ने और मंडी व्यापारियों ने और किसानों ने इसका पुरजोर विरोध किया और उस लिमिट को इन्होंने एक्सटेंड भी कराया, लेकिन सोयाबीन पर अभी तक नहीं चल रहा है, MSP से लगभग डबल से ज्यादा भाव चल रहे हैं। ये बिल्कुल अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि अब इसमें इस तेजी पे लगाम लग सकती है आने वाले 1 से 2 सप्ताह में। गौरव जी सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज आपसे कहीं ज्यादा टाइम ले लिया, आपके समय से ज्यादा हमने पिटारे से भी खोज खोज कर जो लोगों के लिए आप लेकर आते हैं उससे भी कहीं ज्यादा जो है पिटारा सर आपने खोल दिया। यही आपका सर दिल बहुत बड़ा है जो कि लोगों के लिए जो बड़े बड़े जो मुनाफे की तौर पर जो दिशा अग्रसर कर रहे हैं, मुझे लगता है आमतौर पर जो लोग नए निवेशक हैं उनको बहुत ही ज्यादा मुनाफा हो रहा होगा, और साफ तौर पर जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो साफ तौर पर जो है सवाल भी पूछते हैं हमसे, कहते हैं कि किस तरीके से जो नए शेयर्स हैं उसमें भी
यहाँ पर, और जातकों के साफ तौर पर उनका जो भविष्य है, उनका जो रास्ता है, क्लियर जो बनाते हैं कि कौन से कहाँ खतरा होता है, उस पर सही तरीके से आपने आज जो है टिप्पणी की, उनके सितारों को बताया कि कौन से जोरदार शानदार शेयर और सितारे रहने वाले हैं। सर का जो प्रोग्राम है शानदार शेयर और सितारे करनाला जी के साथ में, उसमें अभी के लिए सर इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। तो ये थे हमारे साथ कर्नल अजय, जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से चंद्र ग्रह और बुध ग्रह और तमाम जो सितारे हैं, तमाम जो राशियां हैं, वो कैसी रहने वाली हैं। अभी के लिए इस सप्ताह यानी इस महीने का हम यहीं पर इन सितारों के साथ में क्लोज करते हैं, क्योंकि ये सितारे जो आज बात की है वो अगले महीने यानी अगस्त की पहले ही सप्ताह में आपके काम आने वाले हैं। जब मार्केट खुलेगी तो ये जातक जो है निश्चित तौर पर जो सर ने बताए हैं उनमें जो है एक बेहद जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार जो है पिछले एपिसोड से अगर बात की जाए, पिछले शोज की अगर बात की जाए, तो लगातार जो है सर जिस पर नजर रखने के लिए आपको बताते हैं वो शानदार तरीके से उछाल मारते हुए नजर आते हैं और लोगों को बेनिफिट्स देकर जाते हैं। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, तब तक देखते रहिए टीवी 100 नेशनल।